हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुशहाल होंगे, बहुत माने खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऊपर वाले से मैं दुआ मांगता हूँ कि आप लोग वो खुशहाल रहें और खुशी खुशी से अपना आनंद से आनंद रूप जो है सो अपना जीवन व्यतीत करें, आनंदित रूप से अपना जीवन व्यतीत करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और देख करके मुझे भी कुछ आशीर्वाद देने का प्रयास करते होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं हमारे वीडियो को देखें और आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट करने से हमको भी कुछ अपने कमी का एहसास होता है और हम अपने कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग से कमेंट से मैं बहुत खुश होता हूँ, इसलिए आप हमारे वीडियो को देख करके कमेंट करते रहें। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि मैं अपने दुख को व्यक्त करना चाहता हूँ। दिनांक 6/7/2024 को मेरा सबसे छोटा बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ रहा था, पॉलिटेक्निक कर रहा था सरकारी कॉलेज साहेबगंज से, और 2 साल उसका गुजर चुका था। चौथा सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, फॉर्म भरने के लिए साहेबगंज चला गया और कॉलेज में फॉर्म वॉर्म जा करके जमा उमा कर दिया। जमा करने के बाद में वहाँ पर सभी बच्चे थे, करीब 17-18 लड़के थे, लोग सभी लोग राय किया कि चला जाए गंगा जी में नहाने के लिए, और ये भी साथ में गंगा जी में नहाने के लिए गया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि मेरे बच्चे के लिए विधि का विधान कुछ अलग था और किसी को कुछ नहीं हुआ। सब लोग नहा नहा के निकल गया और मेरा बच्चा जो है सो उसी गंगा जी में जो अंदर में गया पानी में डूबा, सो फिर बाहर नहीं निकला। सभी लड़के देखते रह गए कि बाहर निकलेगा तो हम लोग हाथ धरा करके या किसी चीज से निकालेंगे हम लोग। कुछ देर तक लिए इंतजार किया लोग, जब नहीं निकला तो सभी लड़के चिल्लाने लगे और चिल्ला चिल्ला करके आदमी को जुटाने लगे। वहाँ कोई आदमी नहीं जुटा। लास्ट में किसी ने थाना में फोन कर दिया। थाना वाला करीब आते आते उसको गोताखोर को लेकर के 45 मिनट लगा दिया। 45 मिनट के बाद आया गोताखोर, तो 2 डुबकियां मारा, फिर भी पता नहीं चला। तीसरे का डुबकिया में वो जो है सो हमारे बच्चे को बाहर पानी से बाहर निकाला तो उसका दम जो है सो दम का मैंने सांस मैंने कतर रहा था, लोग की सांस चल रहा है मगर हमको उम्मीद नहीं लगता है कि उसका सांस चल रहा होगा। 45 मिनट जो अंदर में रह जाएगा उसका सांस चलेगा? फिर उसके बाद में निकाल करके लोग ले गया सदर हॉस्पिटल साहेबगंज। सदर हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। और इससे पहले समय करीब 1-1.5 बजे एक लड़का हमको फोन किया। फोन पर हम उससे बात किए तो बोला कि देखिए ना बिखी, ऐसी गंगा जी में डूब गया था, मेरा दिमाग जो है सो सटक गया, मेरा दिमाग एकदम लगा कि अब हमारा हार्ट अटैक कर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, उस तरह का हमको लगा। फिर भी अपने आप पर हमने नियंत्रित किया, नियंत्रित कर करके गाड़ी यहाँ से बुक किया। गाड़ी बुक कर करके हम लोग वहाँ गए साहेबगंज। 10 बजे रात में पहुंचे। 10 बजे रात में जब वहाँ पहुंचे तो मर्चेंट में मेरा बच्चा को फ्रिज में रखा हुआ था, वहां से निकाल करके देखे देखे तो मेरा जो है सो दिमाग लगा कि अब हम भी माने जीवित नहीं रहेंगे, इस तरह का महसूस हो रहा था। फिर भी अपने आप पर कमांड करते करते फिर जो है सो कमांड किए। इसके बाद में वहां पर सुबह मैं पोस्टमार्टम के लिए बोला गया, पोस्टमार्टम हुआ सुबह में 10 बज गया। 10 बजे पोस्टमार्टम हो गया तब हम लोग वहाँ से फिर लाश को लेकर के एक अति की एम्बुलेंस किए 15,000 में, एम्बुलेंस कर करके एम्बुलेंस में लाश को लाद करके, और हमारा गाड़ी अपना घर से आया था उस गाड़ी में हम लोग अपने बेटी को और
एक ड्राइवर को, एक भतीजा को, एक पोता को बैठा करके उस गाड़ी से गया। हम जो है सो एम्बुलेंस में, हम और बड़े भाई हमारे एम्बुलेंस में लाश के साथ से हम लोग 10 बजे रात में पहुंचे वहां अपना गांव। 10 बजे रात में पहुंचे तो वहां पर सब मन क्रियाकर्म करने के लिए दाह संस्कार वाला सभी व्यवस्थाएं वहां हो चुकी थी। उसी समय सारा चीज, सारा आदमी हमारे द्वार दरवाजे पर कम से कम 500 से अधिक आदमी जो है सो जुटे हुए थे और सब लोग इंतजार कर रहे थे लाश का कि कब आएगा एम्बुलेंस, तो हम लोग थोड़ा सा दर्शन करेंगे देखेंगे। पहुंचने के बाद में लगा कि वहां पर एकदम मैंने अब तादाद देख करके दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर भी हम लोगों ने बोला कि लाश को काल्हे जलाया जाएगा, मगर हमारे बात को वहां पर नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज कर करके और लाश को जो है सो फिर अस्थि अथी पर कायरंथी पर सजाया गया। सजा करके बांध बुन करके फिर ले गया लोग जलाने के लिए गंडक नदी में। गंडक नदी में जो व्यक्ति कुंवारा रहता है, शादीशुदा नहीं रहता है, उसको गंडक में जलाया जाता है, और जो शादीशुदा हो जाता है वो लड़का को, उस आदमी को गंगा में जलाया जाता है। तो मेरा लड़का का जन्म था मैं 23 दिसंबर 2004 को उसका जन्म हुआ था, और तो अभी 21 साल का उम्र था, इसलिए उसको दाह संस्कार जो है सो गंडक नदी में जलाया गया, किया गया। वहाँ पानी में सब अस्थि उस्थि को दहवा दिया गया। इसके बाद फिर उसका काम क्रिया शुरू हुआ। काम क्रिया होने के बाद में हम लोग जो है सो यहाँ मंगलवार को, यानी आज हो गया मंगलवार को यहाँ पर, यानी 22, 23, 24 तारीख को हम लोग 25 को यहाँ बोकारो की नगरी में फिर सभी परिवार हम लोग यहाँ से चले आए और यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मगर दोस्तों बहुत दुख महसूस होता है, वो तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब भी उसके सामान को, किसी कपड़ा को, उसकी याद को आता है तो कलेजा फट जाता है। लगता है कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। बहुत हम लोग जो है सो रोते हैं, बहुत उसकी माँ तो रोते रोते मन लगता है कि दम तोड़ देगी तहने, फिर भी हम लोग किसी तरह समझा बुझा कर रहे हैं। तो आप लोग जो है सो उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू दोस्त।